नमस्कार दोस्तों, दोस्तों फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, जल्द ही दिवाली आने वाली है और फिर आएगा हैप्पी न्यू ईयर। आपने कई बार टच मी या फिर टच हियर मैसेज देखे होंगे, रिसीव किए होंगे व्हाट्सएप पे या फिर अपने सोशल नेटवर्क के दोस्तों, जिनको टच करते ही वो एक्सपेंड हो जाते हैं और उनके अंदर एक हिडन मैसेज या विश आपके सामने शो हो जाती है दोस्तों। लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि आप अपना कस्टमाइज टच मी या फिर टच हेयर टाइप का विश मैसेज कैसे बनाएं। आज हम बात करेंगे उन्हीं टच मी या टच हेयर टाइप के मैसेज की और बताएंगे आपको कि आप इनको कैसे बनाएं और फिर अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर को सेंड करके अपनी फेस्टिव सीजन को कैसे और भी अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग संजीव टेक्निकल को और हिट कीजिए बेल आइकन को मेरे हर लेटेस्ट अपलोड वीडियो की जानकारी आपके नोटिफिकेशन ड्रॉर में सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों इस ऐप का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको इस वीडियो की एंड में एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। आप उस एंड स्क्रीन को क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐप काम कैसे करेगा दोस्तों। दोस्तों ऐप को ओपन करते ही आप लेफ्ट हैंड साइड की तीन बार को क्लिक करके जस्ट ड्रॉ को क्लिक कर लें और फिर इमेज साइज को सिलेक्ट कर 400x1600 का पिक्सल साइज सेलेक्ट कर लें और अपना बैकग्राउंड कलर भी यहां से चूज कर लें। जैसे ही कलर चूज हो जाए न्यू पे क्लिक कर दें, फिर प्लस या ऐड बटन को क्लिक करके इमेज को क्लिक करें और पेस्ट फ्रॉम फाइल क्लिक करके अपनी चॉइस की इमेज पुट कर लें गैलरी में जाकर के उस फोटो की लोकेशन से। जैसे ही वो फोटो आपको मिल जाए उसको सिलेक्ट करके फिर आप उसकी क्रॉप की ऑप्शन को क्लिक करके रिसाइज कर लें इस फोटो को ताकि वो आपके इमेज साइज के अंदर फिट आ जाए। जैसे ही वो फोटो फिक्स हो जाए आप बैक बटन को दबा करके फिर से बैक चले जाएंगे और फिर से प्लस या ऐड बटन को हिट करके एक बार फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों और फिर वहाँ पे आप टेक्स्ट लिख लेंगे अपनी चॉइस का। ये देख लें ये अलाइन कर लिया मैंने और यहाँ पे लिख देता हूँ टच हेयर। और जैसे ही मैं लिखता हूँ इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट टाइप चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, सिर्फ इसकी लोकेशन को चेक करूँगा कि ये सही से दिख जाए और इसे वहाँ छोड़ करके मैं बैक बटन से पीछे जाऊँगा और फिर से इमेज के ऊपर जाऊंगा और इमेज में जाकर के मैं एक और इमेज ऐड करूंगा। इस बार मैं अपने एक विश का मैसेज जो भी है उसको लेकर के यहाँ पे लोकेट कर दूंगा दोस्तों और फिर से मैं उस इमेज को रिसाइज कर लूंगा ताकि वो इमेज जो है हमारे उसी इमेज साइज के अंदर आ जाए जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है और मैसेज पढ़ने में भी आ जाए। जैसे ही मेरी वो इमेज ओके हो जाएगी मैं फिर से एक बार से ओके करके बैक चला जाऊंगा और फिर से ऐड बटन को क्लिक करके कोई स्टिकर या इमोजी मैं इस पे लगा दूंगा। ये दिल वाला स्टिकर मुझे अच्छा लगता है तो इसको मैं लोकेट करना चाहता हूँ बिल्कुल नीचे। फिलहाल मैं इसको एक बार रिसाइज कर लेता हूँ ताकि ये उस पोर्शन के अंदर फिट आ जाए। जैसे ये फिट आ जाएगा मैं वहाँ पर रख के इसको और फिर ओके कर दूंगा, यानी कि गुड को क्लिक कर दूंगा, टिक मार्क को क्लिक कर दूंगा। इससे ये फ़ोटो जो है वो सेव हो जाएगी दोस्तों और जैसे ही ये सेव हो जाएगी तो ये चली जाएगी आपके गैलरी के अंदर और फिर आप अपनी गैलरी के अंदर जा करके इस फोटो को ओपन करके शेयर की ऑप्शन को दबा करके शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट या फिर व्हाट्सएप के द्वारा और अपना इम्प्रेशन जमा पाएंगे अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के ऊपर दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव इस वीडियो या हमारे इस चैनल को लेकर के है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी इस दिवाली या इस फेस्टिव सीजन में अपने विशेष को एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर सकें अपने चाहने वालों के साथ। और हाँ, ब्लॉग संजीव टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेके आता ही रहता हूँ दोस्तों। ब्लॉग संजीव टेक्निकल देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।